हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LBSTI फेस 3 के यूट्यूब चैनल पे। पावर पॉइंट के अंदर लास्ट क्लास में हमने वाटर फ्लो एनिमेशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको लास्ट क्लास में वाटर फ्लो एनिमेशन समझ आई होगी। आज की क्लास में हम थ्रॉट स्लैम स्लाइड एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पावर पॉइंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एनिमेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैकग्राउंड को डिज़ाइन करना है। तो बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने के लिए हम डिज़ाइन टैब पे आएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद हमें इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे शेप्स का यूज़ करना है। आपको सबसे पहले जो शेप सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करनी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके कुछ इस तरीके से रखना है और हल्का सा और साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। इतना करने के बाद शेप फिल में आके हमें लाइट ग्रे कलर अप्लाई करना है। आउटलाइन को नो आउटलाइन रखेंगे। शेप इफेक्ट्स में आके हमें बेवल पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको इफेक्ट अप्लाई करना है राउंड। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, हल्का सा इसे और रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। इतना करने के बाद अब हमें नीचे एक स्टैंड टाइप का बनाना है। तो स्टैंड बनाने के लिए हमें क्या करना है, आपको ट्रेपेजॉइड शेप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक शेप ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद हल्का सा इसे कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उठा के कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे और इसे उठा के इसके ऊपर रख देंगे हम फर्स्ट वाले शेप को। हल्का सा ऊपर वाली शेप को हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे। इतना करने के बाद सेम यही फॉर्मेटिंग हमें नीचे वाली शेप में अप्लाई करनी है। तो आपको करना क्या है, फॉर्मेट पेंटर चूज करना है और क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद हमें एक और शेप ऐड करनी है। शेप हमें शेप्स में ही आना है और यहाँ पे आपको ब्लॉक आर्क शेप को सेलेक्ट करना है। ब्लॉक आर्क शेप को ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से अब हमें इसे रिसाइज करना है। तो रिसाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो येलो एंकर पॉइंट है इसे अपनी साइड मूव करना है। जैसे आप अपनी साइड मूव करोगे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा और ये अलग ही थोड़ा सा अलग लगेगी कुछ इस तरीके से। अब इसे उठा के कुछ इस तरीके से अटैच करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, सेम यही फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम इस पर अप्लाई कर देते हैं और इसे उठा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडजस्ट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। कंट्रोल प्लस डी से हमें डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद एक शेप नीचे अप्लाई करनी है, अगेन कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट और एक शेप हमें ऊपर ऐड करनी है और इसे हम रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है आपको। अगेन कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट और एक शेप हमें कुछ इस तरीके से ऐड करनी है। इतना करने के बाद कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, शेप फॉर्मेट में आके आपको मर्ज शेप के अंदर यूनियन को सेलेक्ट करना है। यूनियन को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी लैंप बन के रेडी होगी। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें लाइट्स के इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे आपको ट्रेपेजॉइड शेप को अगेन ड्रॉ करना और कुछ इस तरीके से एक शेप ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अटैच करना है, सेंटर में लेके आएंगे हम शेप को। अटैच करने के बाद सेम यही फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम अप्लाई कर देते हैं इस वाले शेप पे। इतना करने के बाद अब हमें रिफ्लेक्शन के लिए एक शेप ड्रॉ करनी है। तो आपको शेप्स में ही आना है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन के लिए अगेन ट्रेपेजॉइड शेप को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से रखेंगे और ये जो येलो एंकर पॉइंट है इसे हल्का सा अंदर की साइड मूव करेंगे तो ये एक रिफ्लेक्शन का काम करेगा। अब इसके बाद हमें इसमें कलर देना है। तो आपको शेप फिल में आना है और यहाँ पे ग्रेडियंट चूज करना है। तो आपको जो ग्रेडियंट अप्लाई करना है लीनियर आप अप्लाई करना है। अगेन शेप फिल में आना है, ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और मोर ग्रेडियंट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 स्टॉप्स मिल जाएंगे ग्रेडियंट के। जो लास्ट वाला स्टॉप है इसमें आपको कलर रखना है वाइट और सेकेंड वाले स्टॉप में आपको कलर रखना है लाइट ग्रे और लास्ट वाला जो आपको फर्स्ट वाला स्टॉप मिल जाएगा इसमें कलर रखना है ब्लैक और आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। आउटलाइन को हमें रखना है नो आउटलाइन। इसके बाद हमें इसके अंदर एक और शेप ऐड करनी है। तो शेप को ऐड करने के लिए हम शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ओवल ड्रॉ करना है। ओवल को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे,
यहाँ पे हमें ट्रेपेज़ॉइड शेप को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमें पेज का साइज इंक्रीज करना है। पेज का साइज इंक्रीज करने के बाद इस वाली शेप को इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट करना है। इतना करने के बाद दोनों को सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, मर्ज शेप पे क्लिक करके यूनियन अप्लाई करना है और इसका कलर हम रख लेते हैं वाइट। आउटलाइन को कर देते हैं नो आउटलाइन और शेप फिल में आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आउटलाइन रखेंगे, हम यहाँ पे रख देते हैं लाइट ब्लू आउटलाइन। पेज का साइज नॉर्मल करेंगे। पेज का साइज नॉर्मल करने के बाद हमें क्या करना है, इस वाली शेप को इसके अंदर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। इतना करने के बाद आपको शेप फॉर्मेट में ही आना है और सेंड टू बैक करना है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट में ही आना है, शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें एक ओवल शेप सेलेक्ट करनी है। ओवल शेप को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का ओवल ड्रॉ करेंगे। ओवल को ड्रॉ करने के बाद अगेन ट्रेपेज़ॉइड शेप को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पेज का साइज हल्का सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। इतना करने के बाद दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप ग्रुप करने के बाद शेप का साइज, पेज का साइज अगेन नॉर्मल करेंगे और इसे उठा के कुछ इस तरीके से ऐड करना है। अंदर वाली शेप में हमें जो कलर रखना है वो रखना है वाइट। इसे कुछ इस तरीके से सेंड टू बैक करें। इतना करने के बाद अगेन कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट सभी पे इसी तरीके से हमें इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे सभी को कंट्रोल के साथ और कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद सेम यही इफेक्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल प्लस डी और इस वाली शेप को हमें सेंड टू बैक रखना है कुछ इस तरीके से। अगेन डुप्लीकेट और इसे कुछ इस तरीके से अटैच करना। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, आपको शेप को सेलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और इसके अंदर हम लिख देंगे वर्क हार्ड। सेलेक्ट करेंगे कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो अभी हम वाइट ही रख रहे हैं और थोड़ा सा सेंटर में रखते हैं इसे हम कुछ इस तरीके से। कंट्रोल प्लस डी से सभी पे यही सेम, अगर आप चाहो तो अलग अलग थॉट्स भी रख सकते हो वरना आप यही सेम चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, अगेन कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट। इतना करने के बाद अब हमें एनिमेशन ऐड कर दिया। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दोनों शेप्स को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन वाली शेप को शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ और अंदर वाले जो शेप है उसे सेलेक्ट करेंगे। आपको एनिमेशन में आना है और यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करनी है वाइप। वाइप अप्लाई करने के बाद इफेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना और इसकी डायरेक्शन को रखना है फ्रॉम टॉप। इतना करने के बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो एनिमेशन हमें ऐड करनी है वो ऐड करनी है हमें स्वेल कुछ इस तरीके से।
सेम इसी तरह से सभी में हमें एनिमेशन ऐड करनी है। कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वाइप इफेक्ट ऑप्शन में हमें क्या करना है, फ्रॉम टॉप रखना है और यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्शन देके सेम वही एनिमेशन, सेम एनिमेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजिशंस में आएंगे और हम प्ले करके देख लेते हैं। ऑन माउस हटाना है, आफ्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइमिंग सेट करनी है एंड अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, F5 करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके शॉर्ट एनिमेशन स्लाइड यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।